हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। आइए देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड आज का टॉपिक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को समझने के लिए हम शुरुआत अर्थ से करते हैं। जैसे अर्थ पे हम लोग हैं तो जितने ऑब्जेक्ट हैं सभी को अर्थ जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो जितने ऑब्जेक्ट हैं अर्थ के आसपास या पेड़ पौधे जितने हैं और उनमें फल जो लगे हैं उनका अट्रैक्शन अर्थ के सेंटर की ओर होता है, या अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट घूम रहे हैं वो सब पृथ्वी के अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। सबको पृथ्वी अपने सेंटर की ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, मतलब सब एक फोर्स का फील करते हैं। जहां तक ये फील हो रहा है वो सब क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। तो ऐसा नहीं केवल अर्थ ऐसा करता है, हम लोग भी, हम जो है यहां खड़े हैं, हमारे आसपास जितने ऑब्जेक्ट हैं हमसे छोटे वाले हमारी ओर क्या है, उनका फोर्स लग रहा है, मतलब वो भी, उन पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अनुभव होता है। लेकिन आपको ये बताया गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ये बहुत कमजोर होता है तो इसकी फील्ड भी बहुत कमजोर होगी। फील्ड जो कहा गया है, फील्ड ये इमेजिनरी है, ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसको बनाया गया है, ध्यान दें। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की डिफिनेशन देख लिया जाए और बात क्लियर हो जाएगी। द रीजन सराउंडिंग ए मास आर ग्रुप ऑफ मासेज इन विच एन अदर मास एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब कोई एक मास है अथवा मास का ग्रुप है जिसमें अन्य पार्टिकल, अन्य मास जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फील करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड कहा जाता है। जैसे भारी मास है, इसके आसपास जितने मास होंगे सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस करेंगे, तो इसे कहा जाता है कि यहां सब क्या है, फील्ड है, फील्ड है, उसे ग्रेविटेशनल फील्ड कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस फील्ड का एक्सपेंशन कहां तक है, इनफाइनाइट तक। अब हम आते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे मैं कह दूं कि ये अर्थ है तो इसके चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड है, लेकिन अगर हमें ये पता रहे कि फला जगह कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है, कितना उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वहां इंटेंसिटी की बात आती है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड का अपना कोई सिंबल नहीं है फिजिक्स में, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का अपना एक सिंबल है। ग्रेविटेशनल फील्ड भी कोई कहे तब भी आपको यही सिंबल दर्शाना है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड वाला। यस, तो इसमें दोनों डिफरेंस क्या है, यहां पे ये ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड है, लेकिन अगर ये बात किया जाए यहां पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो कितना मतलब वो मैग्नीट्यूड जो है वो क्या बताता है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। यस, ये चीज बताना है। तो मान लेते हैं कि यहां पे मास वगैरह ना रहे, कुछ भी ना रहे, ये मास ना हो अर्थ वाला, और हमें कोई आपसे पूछ ले यहां पर इस पॉइंट पर आप बताइए कितना जो है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो हम क्या करेंगे, बहुत छोटा टेस्ट मास रख लेंगे। ये मास इतना छोटा है कि इसका अपना कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, ध्यान दें, बहुत छोटा है, टेस्ट मतलब केवल जांच करना है आपको, टेस्ट लेना है, ये देखते कितना फोर्स का अनुभव फील करता है। तो ये जो है टेस्ट मास, कोई ग्रेविटेशनल फील्ड पहले से है उसमें हम टेस्ट मास रख देते हैं, वो जितने फोर्स का फील करेगा उसमें टेस्ट मास से डिवाइड कर देंगे, हमें इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पता चल जाएगा, बस यही है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा इस पर वर्क करता है तो हम कहेंगे कि वहां पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज्यादा है, और फोर्स कम लग रहा होगा तो कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कम है। तो फोर्स ज्यादा कब लगेगा, जब जो है जो ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा करता उसके नजदीक होगा आपका टेस्ट मास, तो
इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा, और जितना दूर होगा वो कम फोर्स का अनुभव करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो जिस हिसाब से उस पर फोर्स कार्य करेगा, ज्यादा फोर्स कार्य करेगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा, कम फोर्स कार्य करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंटेंसिटी कम होगा। इंटेंसिटी कॉन्सेप्ट को अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन से समझना चाहते हैं तो ये सब कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए फील्ड लाइन बनाया गया। वास्तव में फील्ड लाइन नहीं होता कि किसी चीज से देखने पे आपको मिल जाए। ध्यान दिया जाए, जैसे आप यही देखिए, यहां देखिए, अगर आप यहां चले जाइए, यहां आएंगे तो दो फील्ड लाइन के बीच का गैपिंग यहां क्या है, जैसे आप यहां पे हैं, जब यहां पे है फील्ड लाइन की गैपिंग इतना ज्यादा है, दूर दूर है, यहां आए तो और करीब आ गया, यहां आए तो इनके बीच की गैपिंग और कम होगी, जैसे जैसे नजदीक आएंगे उनके बीच की गैपिंग कम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे अर्थ के नजदीक जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे अर्थ से दूर जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए इस फील्ड लाइन की कल्पना आप दिमाग में कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे उनके बीच की गैपिंग बढ़ती चली जाएगी, तो फील्ड लाइन वहां दूर दूर होंगी तो हम कहेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, वीक है। यस, तो यही हेडिंग, ये जो चैप्टर विद्यार्थी आप लोग पढ़ रहे हैं, यही चैप्टर फिर क्लास ट्वेल्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड है, 100% वही यही है, सबको डेरिवेशन है, यही डिफिनेशन है, यही हेडिंग है, यही मतलब है, सिंबल का फर्क रहता है केवल। तो यहां अगर आप मेहनत से पढ़ लेते हैं तो उस चैप्टर में बहुत ही आसानी आपके लिए हो जाएगी। ध्यान दें, तो वहां पे जो सिंबल होता था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता था, चार्ज रहता था, मास के स्थान क्या रहता, चार्ज। तो वहां ई सिंबल था तो यहां मैं ई जी कर दिया, जी मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए आया है, एफ जी, जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन टेस्ट मास, ये टेस्ट मास से छोटा सा मास लिए हैं उसे कहेंगे क्या, टेस्ट मास। तो ये आपका रहा फार्मूला। यस, अगर यहां यूनिट की बात किया जाए, फोर्स की यूनिट न्यूटन और मास की यूनिट न्यूटन पर किलोग्राम, अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। यस, तो हम समझते हैं इसका मतलब आप समझ गए हैं। अब कुछ और कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड समझा जाए। टेस्ट मास एम नॉट इज वेरी स्मॉल, इट हैज नो ओन ग्रेविटेशनल फील्ड। मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि टेस्ट मास बहुत छोटा होता, इसका अपना कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होता, इतना छोटा होता है। ध्यान दें, अगला पॉइंट क्लियर किया जाए, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी हुज ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंसीडर्ड। तो यहां देखिए, यहां एम नॉट ले लिया टेस्ट मास, तो ये क्या है, ये इधर की ओर क्या होगा, एट्रैक्टिव होगा, तो इसके जो ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन होगा किधर होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर होगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर होगा, यही वो कह रहा है। यस, मतलब ये माना गया है ग्रेविटेशनल फील्ड तो माना गया है ना, वास्तव में तो ये दिखाई नहीं पड़ता या होता नहीं है। यस, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वो कल्पना किया गया है केवल। ध्यान दिया जाए, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मैंने दिखा दिया है, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी। हाँ, तो इसका डायरेक्शन जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ होता है, मतलब जिसका मास ज्यादा होता है छोटे छोटे पार्टिकल उसी की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। तो फोर्स मेन जो कार्य करेगा किधर कार्य कर रहा है, अर्थ की ओर कार्य करेगा, और इसका कोई अपना फील्ड नहीं है। अगर इसका अपना कोई फील्ड होता तो ये भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है, माना कि वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा इसके कंपेरिजन में। यस, अब देखा जाए एस आई यूनिट तो यहां मैं पहले बता चुका हूं न्यूटन पर किलोग्राम होता है एस आई यूनिट, एंड डायमेंशन LT-2 कहां से आया, इसे जब सरल करेंगे न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन ले सकते हैं किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किग्रा किग्रा कट जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, तो मतलब ये एक्सेलरेशन की यूनिट आएगी यहां पे।
तो इसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उसी का डायमेंशन है एल टी माइनस टू। तो ये है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब हम इसके डेरिवेशन की स्टडी करेंगे। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग देखा जाए, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट मास। तो विद्यार्थी एक पॉइंट मास है कैपिटल एम, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक अन्य पॉइंट पी है जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है। इसके लिए हम यहां पे एक टेस्ट मास एम नॉट रख देते हैं, टेस्ट मास एम नॉट रख देते हैं। तो टेस्ट मास जब रख देंगे तो इस टेस्ट मास पर क्या कार्य करने लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करने लगेगा। तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इक्वल टू होता है जी एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये चीज हम जानते हैं। इस टेस्ट मास पर इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी वर्क करने लगेगा, तो एफ जी इक्वल टू इतना आया। अब हमें डेरिवेशन करना है इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का। तो फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसकी डिफिनेशन क्या है, तो डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो डिफिनेशन ये है, इन ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये इसका डिफिनेशन है, तो ध्यान दें। तो Eg इक्वल टू एफ जी अपॉन एम नॉट होता है, डिफिनेशन से हम ले आए, और एफ जी का मान हम ऊपर लिख चुके हैं, तो ये वैल्यू यहां पे पुट करते हैं और ये वन अपॉन एम नॉट अलग से कर देते हैं, तो एम नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला आया, Eg इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। देखिये कोई कोई किताब में यहां पे आई लिख देता है, कोई स्मॉल जी ही केवल लिखता है, तो अलग अलग हो सकता है, आपको यहां पे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम ईजी लिखे हमारा टारगेट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ई लिखा जाता है, तो हम कह दिए कि केवल जी लगा देने से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। तो चाहे आप इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहिए या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहिए, दोनों एक ही बात है। ये तो मैग्नीट्यूड में था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला। अब यही चीज वेक्टर में अगर लिखना चाहते हैं हम, तो देखें यहां पे Eg वेक्टर Eg इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर, हम लोग क्या लगा देते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आर कैप लगा है माइनस में, तो इसमें इसलिए लगा है क्योंकि ये फोर्स जो है इस डायरेक्शन में है और आर वेक्टर इस डायरेक्शन में लेंगे, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो इसीलिए माइनस आर कैप आया है। आर कैप ये यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर आर अपॉन आर लिख सकते हैं, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, और इसे सरल करते हैं तो ये आर क्यूब हो जाएगा, ये माइनस जो है बाहर ले लिए तो यहां आया, तो जीएम अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। तो वेक्टर का ज्ञान आपको होना चाहिए, इसकी आवश्यकता हर जगह पड़ता है। इस नेगेटिव का मतलब होता है, मतलब क्या है, वो सफाई से यहां पे लिखा हुआ है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या है, अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, इसीलिए नेगेटिव साइन है। यस, उसका मतलब है। तो आपको विद्यार्थी कुछ भी नहीं करना है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास अगर फाइंड करना है तो उसके डिफिनेशन पर क्या करना चाहिए, गौर करना चाहिए। तो ध्यान दें, यहां पे इस मास के कारण तो फील्ड है चारों तरफ, तो एक टेस्ट मास रखिए जिसका अपना फील्ड ना हो, नहीं तो इसका अपना फील्ड होगा तो ये भी तो इसको अट्रैक्ट करेगा। नेचर में जितने ऑब्जेक्ट हैं सब सबको क्या है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब कुछ पॉइंट और कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसको हमने इकट्ठा किया है, तो उसे आपको समझना होगा, ध्यान दें। तो जैसे पहला वाला है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड Eg इक्वल टू जीरो व्हेन r इक्वल टू इनफाइनाइट। अगर जैसे जैसे r बढ़ाते जाएंगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का मान कम होता चला जाएगा, लेकिन आर का मान इनफाइनाइट होने पर ये क्या हो जाएगा, जीरो। इंटेंसिटी ऑफ ए गिवन पॉइंट, यहां पे देखा है, इंटेंसिटी ऑफ ए गिवन पॉइंट पी ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेज कैन बी कैलकुलेटेड बाय वेक्टर सम ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज। यहां मतलब ये है कि हम पॉइंट पी पर
कई मास हो, डिफरेंट डिस्टेंस पर हो, कई मास के कारण यहाँ पे नेट इंटेंसिटी अगर फाइंड करना चाहते हैं तो अलग अलग मास के कारण इंटेंसिटी के वेक्टर सम के क्या होगा, इक्वल होगा। यही वो कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाला कांसेप्ट वो कह रहा है, तो वही लागू हो जाएगा। ध्यान दिया जाए तो ईजी वेक्टर ईजी इज इक्वल टू वेक्टर ई वन प्लस वेक्टर ई टू प्लस वेक्टर ई थ्री प्लस सो ऑन, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नेट लिखा है। तो इतनी बातें आपको यहां पे बतानी थी, हम समझते हैं इसका मतलब आप समझ चुके हैं, आप इसे कॉपी कर लीजिए। फिर और पॉइंट हम आपको समझाते हैं। हाँ विद्यार्थी, कुछ और कॉन्सेप्ट को समझा जाए, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट मास से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट को समझा जाए। यस, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर आया है। यस, तो यहां पर कुछ और कॉन्सेप्ट को समझा जाए। विद्यार्थी देखें, ये पॉइंट क्लियर करें न्यूमेरिकल के लिए। इफ आइडेंटिकल मासेज आर प्लेस्ड ऑन ईच वर्टिसेज ऑफ रेगुलर पॉलीगन देन इज इक्वल टू जीरो एट सेंटर। इसका मतलब समझा जाए, जैसे ये स्क्वायर आप लीजिए रेगुलर पॉलीगन, यहां पे भी मास एम रख दीजिए और यहां पर भी मास एम रख दीजिए, यहां पर भी मास एम रख दीजिए, यहां पर भी। अब कह रहा है इसके सेंटर पर नेट फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, जीरो होगा। ये चीज आपको यहां बताना है, इसके सेंटर पे जो होगा नेट फील्ड इंटेंसिटी यहां पे क्या होगा, जीरो होगा। यस, तो यहां पर ये डायरेक्शन हो जाएगा, यहां पर ये डायरेक्शन, यहां पर ये डायरेक्शन, यहां पर ये डायरेक्शन, तो यहां पे कोई नेट फोर्स, कोई नेट ना तो फोर्स कार्य करेगा और ना तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यस, ध्यान दिया जाए तो यहां पे यही बात ये कह रहा है। चाहे जो लेंगे इस टाइप से ट्रिंगल आप अगर ले लेते हैं, देखिए हर जगह क्या है, इक्विलेटरल ट्रिंगल यम यम यम, तो इसके सेंटर पर क्या होगा, सेंटर पर आपका नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा, जीरो आएगा। यही ये बात कह रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट का हमें ज्ञान रहेगा तो न्यूमेरिकल में हम इसका लाभ उठाएंगे आसानी से, आप सब में टिक लगा सकते हैं बिना हल किए। तो इफ आइडेंटिकल मासेज आर प्लेस्ड ऑन ईच वर्टिसेज ऑफ रेगुलर पॉलीगन देन इज इक्वल टू जीरो एट सेंटर। ध्यान दें तो यही बात यहां पे हमें आपको बताना था। अब एक चीज और, पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी एक कॉन्सेप्ट ये समझना है, ये डेरिवेशन हम पूरा किए हैं, हमें न्यूमेरिकल के लिए सतर्क रहना है, इसीलिए हम यहां पर डेरिवेशन किए हैं। अब ये न्यूमेरिकल जैसे लगाया जाता है हम वैसे किए हैं, आपको फार्मूला हम ले आएंगे, वही फार्मूला केवल आपको याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए, और इतना बड़ा करना नहीं है। ध्यान दें तो यहां पे इस कॉन्सेप्ट समझा जाए, पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी। आप पहले ये बताइए, मान लेते हम अर्थ पे रहते हैं, हम अर्थ से मून पर जा रहे हैं, जाते समय एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि वहां पर जो है ऐसे प्लेस पे जब पहुंच जाएंगे तो मून भी आपको उतने फोर्स से वहां पर हिंसने लगेगा। जब दोनों फोर्स, दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और मून दोनों का बराबर हो जाएगा, या दोनों की फील्ड बराबर, फील्ड इंटेंसिटी बराबर हो जाएगी, दोनों के बात है, दोनों के लिए यही कंसेप्ट, ये न्यूमेरिकल मैं लगा चुका हूं ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर जीरो हो जाएगा तो ही कह रहे हैं अर्थ और मून के बीच में ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा, वहां पे फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यही बात आपको बताना है, तो बराबर फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर है कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब वहां पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो नेट इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा। यही बात आपको बताना था। अब इस बात को इसकी यहां से समझा जाए, मान लेते एम वन एम टू दो मास है, और यहां पे अगर टेस्ट मास एम नॉट हम रखना चाहें तो वो एम वन अपनी ओर खींचेगा, एम टू अपनी तरफ खींचेगा। हां, जो भारी होगा, जो ज्यादा मास वाला होगा उससे आप दूरी बढ़ाइए, जो हल्का होगा उसके करीब चले जाइए, तो इफेक्ट बराबर हो जाएगा। ऐसी दशा में ऐसा कोई पॉइंट तो होगा जहां पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो
तो चाहे फील्ड इंटेंसिटी के कांसेप्ट से समझिए, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स के कांसेप्ट समझिए, दोनों एक ही बात है। तो हम यहां फील्ड पढ़ रहे हैं, फील्ड की बात करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स पे यही प्रॉब्लम, यही तरीका, यही फार्मूला कर चुके हैं। यस, यहां देखें, अब यहां से M1 M2 के बीच का टोटल डिस्टेंस स्मॉल d है, और M1 से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है जिस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना है, जीरो है। मतलब नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो है। तो पॉइंट P पर इस मास के कारण क्या फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें हम, तो M1 के कारण, तो E1 इक्वल टू जी एम वन अपॉन आर स्क्वायर। देखिए विद्यार्थी, आप टेस्ट मास के लिए एम नॉट लेते थे, वास्तव में कहीं भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करना है तो आप उस पॉइंट पर एक किलोग्राम मान लीजिए, एम नॉट जो आप मान लेते थे एम नॉट, यहां पे टेस्ट मास क्या रखेंगे, एम नॉट रखेंगे चेक करने के लिए। लेकिन एम नॉट न मानकर आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, वन केजी रख दीजिए, तो फोर्स क्या हो जाएगा, जी एम वन एक किलोग्राम, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, यही आएगा। हमेशा यहां एक किलोग्राम दिमाग में मान लीजिए, जहां इंटेंसिटी फाइंड करना रहे एम नॉट के स्थान पर, तो तुरंत जो फोर्स लगाएंगे वही आएगा, बट एक किलोग्राम भाग देंगे तभी वही आएगा। तो फोर्स और इंटेंसिटी एक किलोग्राम के केस में वही तुरंत हो जाएगा, ध्यान दें। हाँ, तो इंटेंसिटी यहां इतना आया, जैसे एम नॉट अगर आप फाइंड करेंगे तो यहां फोर्स लगेगा, फिर एम नॉट से डिवाइड करेंगे तभी इतना आएगा, एम नॉट को एक मान लीजिए बस एक किलोग्राम, तो तुरंत ये चीज आप लिख सकते हैं। तो यहां देखिए ई वन इजल टू जी एम वन अपॉन आर स्क्वायर, ई टू निकाल लीजिए, ई टू देखिए इस डायरेक्शन पड़ेगा, यहां अगर कोई टेस्ट मास रखेंगे तो इसको ये खींचेगा, यस। तो E2 टू इजक्वल टू है जी एम टू अपॉन डी माइनस आर का होल स्क्वायर। तो पॉइंट P पे नेट फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो है, तो जीरो रखे हैं, तो या वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 टू इजक्वल टू जीरो, अब उसे हम मैग्नीट्यूड रखे हैं, तो देखिए E1 हमारा इस डायरेक्शन में है, तो हम निगेटिव ले रहे हैं इसकी वैल्यू को, तो माइनस जी एम वन अपॉन आर स्क्वायर, और E2 इस डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में रख दिए वैल्यू, ये दोनों एड करेंगे तो क्या होगा, जीरो। फिर दोनों इधर से इसको उस साइड करेंगे तो बराबर कर देंगे, तो यहां कैपिटल जी, कैपिटल जी क्या होता है, वो कांस्टेंट है, कट जाएगा। अब यहां से देखिए ये डी माइनस आर का होल स्क्वायर यहां रखेंगे, आर स्क्वायर नीचे ही है, और एम टू अपान एम वन कर ली, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो लेते हैं तो डी माइनस आर अपान आर आएगा नीचे, तो डी बटे आर लिख दिए, आर बटे आर लिख दिए, यहां रूट लेना था ना, ऊपर नीचे रूट लगा लिए। अब देखिए आर अपान आर क्या होता है, एक होता है, एक फिर उस तरफ ले जाके जोड़ दिए, यहां देखिए तो अंडर रूट एम वन एलसीएम लिए, तो अंडर रूट एम वन प्लस अंडर रूट एम टू अपान अंडर रूट एम वन आया, तो यहां कौन डी अपान आर यहां से यहां तक आ रहा है। अब इसे पलट देते हैं, आर अपान डी कर देते हैं, तो आर अपान डी इक्वल टू अंडर रूट एम वन अपान अंडर रूट एम वन प्लस अंडर रूट एम टू, तो R इक्वल टू आया अंडर रूट एम वन अपॉन अंडर रूट एम वन प्लस अंडर रूट एम टू इनटू D। मतलब ये है, आपसे इस टाइप से वो मास दे देगा न्यूमेरिकल में और कहेगा कि किस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मान जीरो होगा, कहां से एम वन वाले मास से किस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मान जीरो होगा, फाइंड कीजिए। तो अगर M1 से पूछेगा, देखिए आ गया फार्मूला, हमारा काम हो गया, अगर M1 से पूछेगा तब ये फार्मूला सही है, तो R इक्वल टू अंडर रूट M1 अपॉन अंडर रूट M1 प्लस अंडर रूट M2 इनटू टोटल डिस्टेंस इनके बीच का है, तो इसी फार्मूले से आपका काम हो जाएगा। दो मास दिया है, M1 से किस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मान जीरो होगा, तो ये फार्मूला आप लगा देंगे तो आ जाएगा। जिससे पूछेगा उसका मास ऊपर रहेगा, ध्यान दे, नीचे तो टोटल रहेगा, अंडर रूट एम वन प्लस अंडर रूट एम टू दोनों रहेगा। अगर एम टू से पूछ रहा है, एम टू से पूछ रहा है, तो अंडर रूट एम टू, देखिए यहां कहा गया फॉर एम टू, एम टू से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मान कहां पे जीरो होगा ये फाइंड करना, अगर तो उसे आर डैश बराबर अंडर रूट एम टू अपॉन अंडर रूट एम वन प्लस अंडर रूट एम टू, ये फार्मूला, तो आपको ये फार्मूला फाइंड करना। और ये फार्मूला ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए ही नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी यही फार्मूला आया था, यही न्यूमेरिकल लगाना है।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मान किस पर? अरे भाई जब फील्ड यहाँ पे जीरो है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो जीरो होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी यही फार्मूला आया था और इंटेंसिटी के लिए भी यही आया था, दोनों एक ही बात है। यस, तो अगर फोर्स पूछता है तभी यही चीज लगाएंगे, तो कहां ग्रेविटेशनल फोर्स का मान किस पॉइंट पे जीरो होगा, तो M1 से तो आप ये फार्मूला लगाएंगे और M2 से पूछता है ये फार्मूला, तो फोर्स और इंटेंसिटी दोनों का कांसेप्ट एक ही है। यस, यही चीज हमको आपको पॉइंट में बताना था। अब हमारा ये कांसेप्ट कंप्लीट होता है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर प्रॉब्लम को देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, एक न्यूमेरिकल देखा जाए इस कांसेप्ट पर, तो जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए इस टाइप का प्रॉब्लम कठिन होता है, क्योंकि वो मैथ में शायद GP नहीं पढ़े होते हैं। यस, तो देखते हैं उसको, हम उस समस्या का हल करते हैं। इनफाइनाइट पार्टिकल्स ईच ऑफ मास कैपिटल M आर प्लेस्ड एट पोजिशंस x = 1 meter, x = 2 meter, x = 4 meter, 4 meter, so on infinite. Find the gravitational field intensity at the origin. ये आपका ओरिजिन है और ये यहां से कितना 1 meter की दूरी पर एक मास कैपिटल M रखा है, यहां से 2 meter दूरी पर एक कैपिटल मास रखा है, यहां से 4 meter दूरी पर एक मास रखा है। इस टाइप से आगे बढ़ता जाएगा, दुगना होता जाएगा, एक दुना दो हो गया, दो दुना चार हो गया, चार दुनी आठ हो गया, आठ दुनी 16, इस टाइप से आपका इंक्रीज करता जाएगा। ये डिस्टेंस दिया है। अब यहां पे हमसे पूछ रहा है क्या, फाइंड अ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब यहां पर ध्यान दे, अगर यहां आप टेस्ट मास M नॉट रख देते हो, जैसे फील करने के लिए मैं बता रहा हूं, मुझे जरूरत इसका M नॉट है, तो M नॉट को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसका डायरेक्शन ये, इसकी वजह से क्या E1 इधर हो जाएगा, ये M यहां M नॉट रखोगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो E2 इधर हो गया, फिर इस M के कारण भी ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर हो गया, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो इस एक्सिस में, x एक्सिस में, x एक्सिस में वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप हम लोग लगा देते हैं। तो नेट EG इक्वल टू हो जाएगा, नेट में तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस 1 इनफाइनाइट। यस, तो इसके कारण यहां पर फील्ड इंटेंसिटी E1 जो हो जाएगा G M अपॉन R स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। यस, इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, तो आप वेक्टर में लिखने के लिए चाहे तो आई कैप लगाते चलिए। आई कैप विद्यार्थी तब लगाया जाता है जब 100% फिक्स हो को वो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है और वाई एक्सिस डायरेक्शन में होता है, तो वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए जी कैप लगाते हैं। जेड एक्सिस में डायरेक्शन होता है तो वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए के कैप लगाते हैं। लेकिन जो आर कैप यूनिट वेक्टर लगाया जाता है उसका मतलब वो आप जब ये तिर्यक भी लेंगे तब के लिए भी हर जगह के लिए सही हो जाता है, और अदरवाइज आई जे के में हमेशा लिखने के लिए तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा। यस, ध्यान दिया जाए, जब फिक्स रहेगा इस डायरेक्शन में तब आसान होता है ये चीज। हाँ, E2 देखा जाए, E2 भी यही आएगा G M अपान दूरी कितना है 2 का स्क्वायर और आई कैप सबके साथ रहेगा। E3 कितना आएगा G M अपान 4 का स्क्वायर आई कैप प्लस 1 इनफाइनाइट, ये चलता रहेगा। हाँ, तो यहां पे जो हमें कॉमन मिल रहा है G M I ये कॉमन मिल रहा है, हमें मिल रहा है 1/1 का स्क्वायर जो हमको मिल रहा है प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1 इनफाइनाइट, ये चीज हमको मिल रहा है। तो G M I ये चीज देखा जाए, इसे लिख सकते हैं 1, इसे लिख सकते हैं 1/4, इसे लिख सकते हैं 1/4 का स्क्वायर, इस टाइप से आगे बढ़ता जाएगा। 1/ और आगे लिखना चाहेंगे, एक और लिखना चाहे 1/4 का क्यूब, 1 का इन्फिनिटी।
तो ये चीज थोड़ा और समझा दे। यहां से देखें, इसका मतलब ये कह रहा है यहां से एक मीटर दूरी, यहां से दो मीटर दूरी हो गया, दुगना करते जाइए, एक का दो हो गया, दो का चार हो गया, चार का आठ हो जाएगा, आठ का सोलह, एक्स बराबर ऐसे पढ़ता चला जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहां से एक वन मिल गया, पहले में वन बाई फोर मिल गया, ये फोर स्क्वायर है, तो जब आगे यहां आप लिए होंगे क्या, चार के बाद क्या लेंगे, आठ, तो यहां पे वन अपॉन एट का स्क्वायर, एट का स्क्वायर मतलब चार चौक सोलह, चौका चौसठ हो गया, तो तीन पावर लग जाएगा, फोर का कितना लग जाएगा, तीन पावर लग जाएगा, सोलह लेंगे तो वो भी एक बड़े चार का चार पावर आ जाएगा, सोलह का वर्ग आगे लेंगे, आठ लेंगे, आठ के बाद सोलह आएगा, तो मतलब इस टाइप से सीरणी हमको बन रही है। हाँ, तो इसका जो फार्मूला होता है, जिनको फार्मूला याद है वो बड़े आसानी से कर सकते हैं। यहां पे ये होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहां देखते हैं, जैसे कोई चीज है यस इक्वल टू है ए ए आर, ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन इनफाइनाइट, इस टाइप का अगर कहीं दिया है ए, तो यस अगर यस इन्फिनिटी इक्वल टू है ए अपान होता है वन अपान ए अपान वन माइनस आर। अब आर क्या चीज है ये चीज समझ लीजिए, अगर इस टाइप का कहीं भी केस मिलता है ए ए आर स्क्वायर इस टाइप से कहीं मिलता है तो इसका ये फार्मूला होता है, ध्यान दिया जाए। अब आर क्या चीज है, आर जो है सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो ए आर अपान ए, या सेकेंड थर्ड टर्म में सेकेंड से डिवाइड करें ए आर स्क्वायर अपान ए आर, ये चीज है, या ए आर क्यूब अपान क्या ए आर स्क्वायर, तो चाहे जहां मतलब सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो जो आता वैल्यू वही आर होगा, तो वो हमेशा इक्वल होगा, वो क्या होगा हमेशा इक्वल, मतलब इसमें एक से डिवाइड करेंगे वन बाई फोर आएगा, इसमें फिर इससे डिवाइड करेंगे फिर वन बाई फोर आएगा, इसमें फिर इससे डिवाइड करेंगे फिर वन बाई फोर आएगा, हमेशा वन बाई फोर आएगा, वही हमारे लिए क्या होता है आर होता है। जो फर्स्ट टर्म होता है ए, यहां पर क्या है इस फार्मूले में ए इक्वल टू वन हो गया और आर इक्वल टू कितना हो गया वन अपॉन फोर हो गया। अब ये मतलब आप समझ गए होंगे, ये इसी टाइप से है, ये जो हमको मिल रहा है वो इसी टाइप का चेहरा है, इसमें फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू वन है और आर इक्वल टू वन बाई फोर, और आर कैसे आता है हर अगले पद में उससे पहले वाले टर्म से क्या करते हैं भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इसमें इससे भाग दें तभी मिलेगा, इसमें इससे भाग दें तभी वन बाई फोर मिलेगा, हमेशा वन बाई फोर मिलेगा, और इसी फार्मूले के प्रयोग से हम ये प्रॉब्लम हल कर पाएंगे। ध्यान दें तो ए ए कितना है एक बटे वन माइनस आर कितना वन बाई फोर, ये चीज खत्म हो गया। अब यहां कुछ ज्यादा नहीं रह गया है, जिनको जानकारी है वो तो तुरंत कर ले जाते हैं, तो जी कैपिटलियम आई यहां देखें एक माइनस वन बाई फोर, वन माइनस वन बाई फोर इक्वल टू थ्री बाई फोर, फोर ऊपर चला जाएगा मतलब फोर बाई थ्री। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आया फोर जी कैपिटलियम अपान थ्री आई कैप, ये चीज आया। तो हाँ विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।